मेरठ में कई प्रदेशों के किन्नर एक आयोजन में जुटे हुए हैं। ये किसी शादी में नाच गाने के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की शांति के लिए आए हैं। किन्नर अपने पूर्वजों की शांति के लिए हवन कर रहे हैं। 10 दिनों तक इनका ये आयोजन चलेगा। खुशी से नाचते गाते ये किन्नर, ये ना ही किसी शादी में आए हैं और ना ही इन्हें कोई नेक चाहिए। दरअसल मेरठ के कंकरखेड़ा में ये अपने पूर्वजों की शांति के लिए जुटे हैं। किन्नर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा करा रहे हैं। इस आयोजन में कई प्रदेशों के किन्नर जुटे हैं। इस इलाके में सामान खरीदने और बेचने के लिए भी बाजार लगा दिया गया। 19 जनवरी से शुरू हुआ इनका ये आयोजन 29 जनवरी तक चलेगा, जिसमें किन्नरों द्वारा चली आ रही परंपरा को पूरा किया जा रहा है। कंकरखेड़ा के मुखिया विमला नोएडा, दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर सहित अन्य कई जिलों के दल यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल किन्नरों की अपनी परंपरा है कि अपने पूर्वजों और सबके कल्याण की भावना रखते हुए ये यज्ञ और हवन करते हैं। इस दौरान इनके विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। इनके रहने वाली जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति का जाना मना है। यही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने बाउंसर्स भी रखे हैं। गुरुवार को खिचड़ी तोलने का प्रोग्राम किया गया। शनिवार को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि समाज का ये ऐसा तबका है जो आम लोगों से दूर ही रहता है। मेरठ से R9 टीवी के लिए मनवर चौहान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।